फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम करने वाले हैं 10 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, और ये सेंटेंसेस आपके बहुत काम आने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जो मैं आपको पहला सेंटेंस बताने वाली हूँ, उसमें बहुत से लोग बोलने में मिस्टेक करते हैं। पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें देखो कुछ लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं, वो सर्व की जगह सर्व बोलते हैं, जो कि गलत है। ओके, दूसरा सेंटेंस है, मैं उससे मिलने को बेकरार हूँ। मैं उससे मिलने को बेकरार हूँ। आई एम कीन टू मीट हर। आई एम कीन टू मीट हर। कीन टू का मतलब होता है बेकरार, यानी कि जब आपको किसी सेंटेंस में बेकरार यूज़ करना हो तो आप क्या यूज़ करेंगे? कीन टू। क्या यूज़ करेंगे? कीन टू। नेक्स्ट सेंटेंस पर मूव करने से पहले स्क्रीन पर जो वर्ड दिखाई दे रहा है, इसकी प्रोनंसिएशन कर लेते हैं। इसकी ब्रिटिश प्रोनंसिएशन में आर साइलेंट हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे सोट, लेकिन इन अमेरिकन प्रोनंसिएशन इसमें आर की साउंड आएगी सोट। क्या होगी? सोट। इसका मीनिंग देख लेते हैं। एक तरह की या प्रकार की, जब आप कहते हैं कि यह एक तरह की डिश है तो आप कैसे बोलेंगे? इट इज़ अ टाइप ऑफ डिश, या फिर इट इज़ अ काइंड ऑफ डिश, या फिर इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ डिश। आप कैसे भी बोले, तीनों तरह से ही यह सही है। दूसरा यूज़ होता है एक तरह की चीज़ों या सामान को दूसरे तरह की चीज़ों या सामान से अलग करना। यहाँ हम इसे ऐसे समझते हैं, जैसे मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, ठीक है, मेरे पास बहुत सारी पुरानी बुक्स हैं, उनमें से कुछ बुक्स को मुझे रखना है जो मेरे काम की है, और कुछ बुक्स ऐसी है जो मेरे अब काम की नहीं है। मैं उसे किसी ऐसे इंसान को देना चाहती हूँ जिसके वो काम की हो, तो मैं यहाँ एक सेंटेंस यूज़ करना चाहूँगी। आई एम सॉर्टिंग दीज ओल्ड बुक्स इन टू दोज टू बी कैप्ट एंड दोज टू बी डोनेट। ओके, सोर्ट को हम वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं जहाँ आप कहते हो कि समस्या या कठिनाई का हल ढूंढना। वे अपनी नाराज़गी मिटा लेंगे या वे अपनी कठिनाई का हल ढूंढ लेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं? दे विल सोर्ट देयर एनोयंस। एनोयंस का मतलब होता है नाराज़गी। मुझे नहीं पता था यह रिश्ता इतना नाजुक है। आई डिडेंट नो दिस रिलेशन इज़ सो फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक, ये इसकी ब्रिटिश प्रोनंसिएशन होती है। अमेरिकन प्रोनंसिएशन होती है फ्रेजिल। क्या होती है? फ्रेजिल। नेक्स्ट सेंटेंसेस, हमारी बहुत मुलाकातें होंगी। वी विल हैव मैनी मीट अप्स। मीट अप्स होती है इनफॉर्मल मीटिंग्स, यानी कि आपके फ्रेंड्स के साथ या किसी ऐसे इंसान के साथ जहां आपको फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। अंडरडॉग, अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल विद लेस पावर मनी इट्सेट्रा देन द रेस्ट ऑफ सोसाइटी। व्यक्ति या व्यक्तियों का वह समूह जिनके पास ताकत और पैसे समाज के दूसरे लोगों से कम होते हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि दो कंपटीटर हैं, एक को अपने फील्ड की अच्छी खासी नॉलेज है और एक को कम है, तो जिसको कम है उसे हम अंडरडॉग कह सकते हैं। सोनिया हेल्प्स अंडरडॉग। सोनिया गरीब लोगों की मदद करती है। राहुल इज अ अंडरडॉग फॉर चेस, यू मे विन द गेम। यानी कि राहुल को चेस की इतनी नॉलेज नहीं है, आपके जीतने के चांसेस ज़्यादा है। सुमन अपनी उदारता के लिए जानी जाती है। सुमन इज नोन फॉर हिज लार्जेस। लार्जेस का मतलब होता है उदारता, यानी किसी को गिफ्ट देना, किसी को पैसे देना। इसे हम खैरात शब्द के लिए भी यूज कर सकते हैं। तुम्हारा काम प्रशंसा के लायक है। योर वर्क डिजर्व एनकोमियम। एनकोमियम का मतलब होता है प्रशंसा, तारीफ, गुणगान। अब जहां भी आपको ये शब्द यूज करने हो, आप यूज करिए एनकोमियम। उसकी प्रवृत्ति हमेशा दूसरों की बातों को गलत समझने की है। हिज टेंडेंसी इज ऑलवेज टू मिस इंटरप्रेटिंग अदर्स। मिस इंटरप्रेट का मतलब होता है दूसरों की बातों को गलत समझना, यानी कि इंसान कहता सही तरीके से है लेकिन दूसरा इंसान उसे लेता गलत तरीके से है। नया अध्यापक बच्चों के साथ घुल मिल गया। न्यू टीचर मिंगल्ड विद स्टूडेंट्स। मिंगल का मतलब होता है घुल मिल जाना, लोगों के साथ घुल मिल जाना, या फिर किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ में घुल मिल जाना। ओके, तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप यू लाइक्ड दिस वीडियो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक करना मत भूलिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।